हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ मशरूम स्टिक। ठंडी के सीज़न में ये मशरूम बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं और इस कर्ल स्टिक बनाइए। ये रेस्टोरेंट में तो बहुत महंगे मिलते हैं, आप इसे कम पैसे में भी अपने घर में बना सकते हैं। तो मशरूम स्टिक के लिए मैंने मशरूम की सारी डंडियों को अलग कर लिया है, इसे भी बॉइल्ड कर ले रहे हैं। और इसके बाद मैं इसे में 1 गिलास पानी डाल के 1 सीटी में से बॉइल्ड कर लूँगी। उसके बाद मैंने ब्रेड क्रम बनाना है, तो मैंने इस तरह से ब्रेड क्रम बना के इसे साइड कर लूँगी। तो अब मैं मशरूम स्टिक के लिए, मशरूम में बनने के लिए एक स्टफिंग होगी, तो मैं इसे पनीर और ग्रेट किया हुआ लहसुन और उसके बाद ऑरिगैनो और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, ये सब को मिक्स कर लूँगी और इसमें थोड़ा सा काली मिर्च भी डालूँगी और ये सब को मिक्स करके अच्छी तरह से कर के साइड कर लूँगी। अब मेरा मशरूम हो चुका है, तो मैंने इसे छान लिया है और इस तरह से निकल लिया है। और मैं एक अरारोट का घोल बना रही हूँ, तो 2 चम्मच अरारोट ले लिया है, थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक नॉर्मल सा पेस्ट बनाना है। अब मैं मशरूम को अंदर इस तरह से स्टफिंग को, पनीर की स्टफिंग को भर के दोनों मशरूम को एक साथ जोड़ दूँगी और एक स्टिक की सहायता से इसे फील कर लूँगी। उसके बाद मैं सारे मशरूम को मैंने कुछ इस तरह से कर लिया है और अब मैंने टूथपिक की सहायता से इसे एक साथ जोड़ दिया है। और अब मैं सारे मशरूम को इसी तरह से करने के बाद मैं सारे मशरूम को फिर से इसी तरह गोल में डाल के और ब्रेड क्रम से इसे कोट कर दूंगी, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख ही रहे हैं। और मैं सारे मशरूम को इस तरह से कर लूँगी और मैं मशरूम को 2 तरह से फ्राई करूँगी, एक ऑक्सीफायर में और एक बार फ्राई करूँगी। जैसा कि आपको, आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं तो इसे खाने के लिए लोग ऑक्सीफायर का आजकल यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने आधे मशरूम को ऑक्सीफायर में कर दिया है कम से कम 20 मिनट के लिए। और उसके बाद मैं फ्राई करके दिखा रही हूँ। तो कुछ इस तरह से मैंने मशरूम स्टिक को फ्राई कर लिया है। तो फ्राई वाला तो खाने में कुछ ज़्यादा ही यमी लग रहा था, ऑक्सीफायर वाला थोड़ा कम। तो जैसा आपको खाना होगा तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और इस उसके हिसाब से आप इसे फ्राई कर सकते हैं। तो आप कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कौन सा अच्छा लगा, फ्राई किया हुआ बिना फ्राई किया हुआ।